हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कौन की सब्जी। तो चलिए हम बनाते हैं कौन की सब्जी। कौन की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्वीट कॉर्न 1 कप, मीडियम साइज का प्याज और मीडियम साइज का टमाटर बारीक काट के लिया है, और साथ में तेल 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, पीसा हुआ अदरक और लहसुन 1/2 टीस्पून, बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, और साथ में 1/2 टीस्पून बेसन लिया है। ये सब्जी हम कुकर में बनाएंगे, इसलिए हमने पहले कुकर को गर्म करके लिया है। उसमें हम तेल गर्म करके लेंगे। गर्म तेल में बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को 2 मिनट तक अच्छी तरह सौते करेंगे। सौते किए हुए प्याज में हम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को हम 2 मिनट तक अच्छी तरह सौते करके लेंगे। प्याज और टमाटर हमारा अच्छी तरह सौते हो गए हैं। उसमें हम सारे मसाले डालेंगे। पहले हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह सौते करेंगे। सौते किए मसाले में 1/2 टीस्पून बेसन डालेंगे। मसाले के साथ इसे भी अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे और उसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। अब इसे एक उबाल आने देंगे और कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी बजने देंगे और 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे खोल के देखेंगे। सब्जी हमारी तैयार है। ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। कॉर्न की सब्जी हमारी खाने के लिए तैयार है। इसे हम रोटी और पराठे के साथ खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।